हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज का टॉपिक है जापानीज वी इंसेफेलाइटिस वायरस। ये अरबो वायरस का ही टॉपिक है और हमने उसमें कई सारी वीडियोस, एटलीस्ट 5 to 6 वीडियोस अपलोड करी थी। एक तो अरबो वायरस के पूरी डिटेल कवर की थी, फिर डेंगू किया था और उसका क्लासिफिकेशन भी किया था। और अब हम जापानीज वी इंसेफेलाइटिस वायरस, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, फिर उसके बाद काइनेस ऑफ फॉरेस्ट डिसीज़, जो कि एग्ज़ाम में रिसेंटली ही आया है, तो वो सब कवर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो से। दैट इज़ जापानीज वी इंसेफेलाइटिस वायरस, माइक्रोबायोलॉजी का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जो जापानीज वी इंसेफेलाइटिस वायरस जो होता है, उसकी फैमिली, वो किस फैमिली से बिलोंग करता है? फ्लेविवायरिडी। ठीक है, फ्लेविवायरिडी से वो बिलोंग करता है। जीनस इसकी कौन सी होती है? फ्लेवी वायरस। मॉर्फोलॉजी में हम देखें तो वो इन्वेलप्ड होते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए के होते हैं। उनका टी शेप्ड वायरस होते हैं। साइज़ अगर हम देखें तो 40 to 50 नैनोमीटर होता है और जो शेप होती है उसकी, एक उसको हेड्रल कैप्सिड होती है। ठीक है, और इसका जो जीनोम होता है वो लीनियर नॉन सेगमेंटेड जीनोम होता है। ठीक है, हिस्ट्री में देखें तो देखिए 6000 केसेस रिपोर्ट किए गए थे, जिसमें से 350 से ज़्यादा, 3500 से ज़्यादा की डेथ हो गई थी। ठीक है, इसको हम समर इंसेफेलाइटिस, ये जो केसेस रिपोर्ट किए थे वो जापान में रिपोर्ट किए थे। ठीक है, और ये समर इंसेफेलाइटिस एपिडेमिक के नाम से भी जाना जाता है जापान में, जो कि अब बिल्कुल भी कॉमन नहीं है, वेरी अनकॉमन है। ठीक है, तो क्या है कि ये जो जापानीज वी इंसेफेलाइटिस वायरस है, अब ये जापान में कॉमन नहीं है। ठीक है, तो अगर अब हम इसका वेक्टर देखते हैं, वेक्टर के बाद फिर ट्रांसमिशन साइकिल देखेंगे। ठीक है, तो वेक्टर में देखिए जापानीज वी इंसेफेलाइटिस वायरस को हम आप जेई वायरस बोलेंगे, मतलब वो आप समझ जाना। ठीक है, तो जापानीज वी इंसेफेलाइटिस वायरस जो होगा वो ट्रांसमिट होता है क्यूलेक्स, जो मॉस्किटो होता है, उसकी बाइट से। जब क्यूलेक्स मॉस्किटो जो होता है वो यहाँ पे वेक्टर का काम करता है, जैसे डेंगी में एक अलग मॉस्किटो काम करता है। ठीक है, तो ये जापानीज वी इंसेफेलाइटिस वायरस जो है वो ट्रांसमिट होता है क्यूलेक्स मॉस्किटो के काटने से। तो उसकी जो स्पीशीज़ होती हैं, कौन कौन सी स्पीशीज़ ट्रांसमिट करती हैं, ट्रांसफ़र करती हैं उस वायरस को, जो क्यूलेक्स क्यूलेक्स मॉस्किटो होता है, उसकी कौन कौन सी स्पीशीज़ होती हैं? डेट इज़ क्यूलेक्स ट्राइटेन्यू रिंकस और क्यूलेक्स विश्नोई। ठीक है, रिजर्वायर होस्ट एम्पलीफायर, ये सारी की सारी टर्मिनोलॉजी हम अरबो वायरस वाली वीडियो में कवर कर चुके हैं, तो आप उधर से एक बार देख लेना। अगर आपको अरबो वायरस, डेंगू वायरस, आपको कुछ भी क्लासिफिकेशन वगैरह पढ़ना है तो हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। रिजर्वायर होस्ट इसके होते हैं बर्ड, और एम्पलीफायर होस्ट होते हैं इसके पिग। एम्पलीफायर होस्ट वो होते हैं जैसे जो वायरस होता है वो एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है, एक्सपोनेंशियली मल्टीप्लाई करता है, और जहाँ पर भी वो मल्टीप्लाई कर रहा होता है वहाँ पर वो कोई सिम्टम्स, कोई डिसीज़ कॉज नहीं करता। ठीक है, वहाँ पे कुछ भी उस होस्ट को हार्म नहीं पहुँचाता, तो उनको हम बोलते हैं एम्पलीफायर होस्ट। जो वायरस होता है वहाँ पे एक्सपोनेंशियली, मतलब वो ग्रो करता जाता है, रेप्लिकेट करता जाता है, तो वहाँ पे वो रेप्लिकेट करता है अपने आप को। ठीक है, मल्टीप्लाई करता है और उधर कोई डिसीज़ और उनको कोई सिम्टम कॉज नहीं करता, जिसको हम बोलते हैं वो कौन से होस्ट होते हैं, उनको हम पिग होस्ट होते हैं। ठीक है, इंसिडेंटल होस्ट ह्यूमन होते हैं। तो हमने यहाँ पे तीन होस्ट देखे, रिजर्वायर होस्ट बर्ड, एम्पलीफायर होस्ट वायरस। एम्पलीफायर होस्ट कौन से होते हैं? पिग, और इंसिडेंटल होस्ट होते हैं ह्यूमन। ठीक है, ट्रांसमिशन साइकिल देखें तो ये कैसे कैसे ट्रांसमिट होता है। बर्ड से ये मॉस्किटो में जाएगा, मॉस्किटो से पिग में जाएगा, फिर इसको पिग से मॉस्किट पिग से फिर से ये पिग से मॉस्किटो में जाके ह्यूमन को बाइट करेगा और इंसेफेलाइटिस कॉज करेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं इसकी पैथोजेनेसिस देखते हैं। तो ये जो क्यूलेक्स की जो स्पीशीज़ है, कोई भी स्पीशीज़ हो सकती है, जैसे ट्राइटेन्यू रिंकस और एक विश्नोई भी हमने बताया था। ठीक है, इन दोनों स्पीशीज़ में वो अब ह्यूमन को बाइट करेंगे, जैसे अब ये यहाँ पे ही ट्रांसमिट हो गया। ठीक है, इनके थ्रू ये ट्रांसमिट हो गया अब ह्यूमन में। अब हम देखते हैं कि क्या होगा, जैसे बर्ड से मॉस्किटो में गया, मॉस्किटो से फिर पिग में गया, यहाँ पर उसने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके मॉस्किटो में फिर से जाके वो ह्यूमन में चला गया और इंसेफेलाइटिस वहाँ पर कॉज किया। अब ह्यूमन में देखते हैं कि ह्यूमन में क्या हो रहा है, जो वो ह्यूमन को बाइट कर रहा है और फिर वहाँ पे जो कैपिलरी सर्कुलेशन है, मतलब वहाँ पे फिर वो वायरस है वहाँ पे कैपिलरी सर्कुलेशन में चला जाएगा, मतलब हमारे बॉडी के सर्कुलेशन में चला जाएगा और वो कॉज करेगा प्राइमरी वायरेमिया। मतलब प्राइमरी वायरेमिया मतलब अब वायरस ना ब्लड में जा चुका है। ठीक है,
तो ये पहली बार, मतलब पहला इन्फेक्शन अगर हम देखें तो प्राइमरी वायरेमिया हो गया, मतलब ये वायरस एंटर कर गया बॉडी में, ब्लड में अब ये एंटर कर गया। अब यहाँ पे क्या होगा, जो वायरस होगा बाइंड करेगा एंडोथीलियल सेल्स से, वहाँ पे कैपिलरीज होंगी और हमें पता है कैपिलरीज में एंडोथीलियल सेल्स होती हैं, मोनोसाइट मैक्रोफेजेस से अब वो बाइंड कर जाएगा और फिर क्या करेगा, वहाँ पर वो रेप्लीकेट करेगा। रेप्लीकेट करेगा कहाँ पर, एंडोथीलियल सेल में और एंडोथीलियल सिस्टम में, ठीक है, RES, रेटिकुलर एंडोथीलियल सिस्टम ही बोलते हैं, ठीक है। वहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट रेप्लीकेशन हो गया, यहाँ पे अभी रेप्लीकेट करेगा, ठीक है। अब इसको हम बोलेंगे सेकेंड वायरेमिया, यहाँ पे अब सेकेंडरी वायरेमिया होगा क्योंकि यहाँ पे दूसरी बार वो ब्लड में रेप्लीकेट कर रहा है, मतलब दूसरी बार वो ब्लड में आया है, मतलब रेप्लीकेट कर रहा है, वहाँ पे रेप्लीकेशन हो रहा है, इसके लिए हम उसको बोलेंगे सेकेंडरी वायरेमिया क्योंकि वहाँ पे इसकी ग्रोथ हो रही है, ठीक है। अब फिर हम बोलेंगे, फिर हम क्या क्या होगा इसमें, फिर वो ब्रेन तक जाएगा और ब्रेन तक जाएगा सर्कुलेशन के थ्रू, सर्कुलेशन के थ्रू ब्रेन में जाएगा और कॉरल प्लेक्सस के थ्रू ब्रेन में जाएगा, वहाँ पर इंसेफेलाइटिस कॉज करेगा। अब हम इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देख लेते हैं। देखिए इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है इसका, कितने दिन का होता है, 5 to 15 days का होता है, ठीक है। 3 stages होती हैं इसमें, प्रोडोमल स्टेज, एक्यूट इंसेफेलाइटिस स्टेज और लेट स्टेज एंड सीक्वली, ठीक है। तो जो प्रोडोमल स्टेज होती है फिब्राइल इलनेस होती है, ऑनसेट जो होता है फीवर का वो कैसे होता है कि 1 to 6 days, मतलब एब्रप्ट होता है, एक्यूट होता है, सब एक्यूट होता है। तो एब्रप्ट मतलब सडन, एकदम से आ जाना, अचानक हो जाना, अनएक्सपेक्टेड, ठीक है। तो क्या होता है कि वो 1 to 6 days के लिए रहता है, एक्यूट जो होता है 2 to 24 hours के लिए रहता है, सब एक्यूट 2 to 5 days के लिए होता है, जो कि सब एक्यूट कॉमन होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे एक्यूट इंसेफेलाइटिस स्टेज, जो सेकेंड स्टेज होती है, उसमें क्या, उसमें कौन से सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, कॉन्वल्जन देखने को मिलेगा, बिहेवियरल चेंजेस, मैनिंजियल साइंस, पैरालिसिस देखने को मिलेगा, ठीक है। और लेट स्टेज एंड सिक्योरली कॉन्वल्सेंट स्टेज देखने को मिलेगी यहाँ पे, इसको हम कॉन्वल्सेंट स्टेज बोलते हैं। और जो पेशेंट होगा, पेशेंट रिकवर हो जाएगा और है ना, और मतलब जो भी उसकी वो पेशेंट यहाँ पे फुली रिकवर होने लगेगा, ठीक है। और क्या सिम्टम्स होते हैं, मतलब और क्या इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है, इसमें क्या होगा कि ह्यूमन ना एसिम्टोमेटिक रहता है, और फिर मतलब होता भी है तो कुछ सिम्टम्स होते हैं एसिम्टोमेटिक या फिर ना बहुत माइल्ड सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। और इसमें क्या और क्या है नेक्स्ट पॉइंट, इसमें less than 1% वो greater than 1% इसका मतलब सिम्टम्स होते हैं ह्यूमन में, लेकिन है ना मतलब बहुत कम सिम्टम्स होते हैं, कहने का मतलब ये है, ठीक है। अब सेकेंडरी वायरेमिया में हमको कौन कौन से सिम्टम्स देखने को मिले, फीवर मिलेगा, हेडेक मिलेगा, कन्फ्यूजन एक और सिम्टम होगा वहाँ पे। ड्यूरिंग इंसेफेलाइटिस स्टेज नेक स्टिफनेस हो जाएगी, हाई फीवर आने लग जाएगा, डेलिरियम, ऑल्टर्ड बिहेवियर और कॉमा, जो कि लास्ट एक सीवियर स्टेज हो जाती है, ठीक है। लैब डायग्नोसिस में हम देखेंगे सैंपल कलेक्ट, मतलब सैंपल लिया जाएगा जिसमें ब्लड सीरम या CSF, सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूड, ठीक है। कल्चर में देखें तो हैमस्टर किडनी सेल में उसको कल्चर कर सकते हैं, कॉरियो एलेंटोइक मेम्ब्रेन में कर सकते हैं, एनिमल इनोकुलेशन में इंटरसेरिब्रली इन सकलिंग माइस, ठीक है। और सीरोलॉजी में देखें तो एलाइजा और RT-PCR। अब हम इसके कंट्रोल मेजर्स देख लेते हैं, सेफ फ्रॉम मॉस्किटो, हमें है ना मॉस्किटो से बच के रहना है, वैक्सीनेशन भी एक और कंट्रोल मतलब वैक्सीनेशन भी एक और उपाय है, ठीक है। प्रिवेंशन में देखें तो देखिए फॉर्मेलिन, मतलब इसमें ये है कि प्रिवेंशन हम कैसे कैसे ले सकते हैं, वैक्सीनेशन ये एक तरीके का वैक्सीनेशन का ही एक मतलब ओवरव्यू है। एक फॉर्मेलिन जो होती है इनएक्टिवेटेड माउस ब्रेन, फॉर्मेलिन इनएक्टिवेटेड इन माउस माउस ब्रेन वैक्सीन, ठीक है, ये वैक्सीन होती है और इसमें 2 डोज होती हैं जो कि 1 ml दी जाती है हर एक डोज में, और ये 2 week के इंटरवल में दी जाती है। एक बूस्टर डोज होती है जो कि 6 to 12 month के टाइम में इंटरवल में दी जाती है, ठीक है। इनएक्टिवेटेड वेरोसेलाइन डेराइव्ड वैक्सीन, ये वैक्सीन के सारे वो हैं, और इन लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन जो कि है ना प्रिपेयर्ड होती है, प्रिपेयर्ड फ्रॉम दी SA14-14-2 स्ट्रेन, सेल लाइन डिराइव्ड होती है, प्राइमरी हेमिस्टर किडनी सेल में कल्चर की जाती है, ठीक है। सिंगल डोज सबक्यूटेनियसली दी जाती है, फॉलोड बाय बूस्टर डोज जो कि वन ईयर में दी जाती है, ठीक है। तो ये था हमारा जापानीज बी इंसेफेलाइटिस वायरस, होप आपको समझ में आया हो, और इससे रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर, थैंक यू सो मच, एंड सब्सक्राइब द चैनल।